अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो इन्वेरेक्स के जो 2025 के नए सोलर इन्वर्टर हैं, नए मॉडल्स हैं 2025 के, उनके बारे में हम देखेंगे कि वो 2025 के जो नए मॉडल हैं वो देखने में कैसे हैं, उनकी प्राइस क्या है और उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो ये जो नए मॉडल हैं उन्होंने जो सोलर एग्जीबिशन थी लाहौर में उसमें इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो इन सारों की जो है वो डिटेल हम देखते हैं। और इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, ये मेरा सोलर एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूट्यूब चैनल है। आप लोगों ने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर आपको काफी सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल ये सोलर मैक्स के कुछ इन्वर्टर्स की इंफॉर्मेशन है, देन ज्यूनिक्स है उसके जो मॉडल्स हैं सोलर इन्वर्टर के उनके बारे में एग्जीबिशन की हाईलाइट्स हैं, इस तरह देसी सोलर इन्वर्टर जो है उसके बारे में कुछ वीडियोस हैं, कुछ बैटरीज के बारे में है और सोलर चार्जर के बारे में है, डीसी एसी डीसी फैंस के बारे में, पावर सप्लाई, बैटरियों की तारें लगाने का ठीक तरीका एंड सो ऑन, इस तरह की बेशुमार चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी इस चैनल पे। आप दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये एग्जीबिशन में इन्वेरेक्स ने अपने चंद एक नए सोलर इन्वर्टर जो है 2025 मॉडल के वो मुतारिफ करवाए थे। ये वाला जो है ये 2025 का मॉडल नहीं है, ये ऑलरेडी मार्केट में इन है। जो 2025 के मॉडल हैं वो मैं आपको अभी आगे दिखाता हूं और उनकी हम थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे कि उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है। ये उनका स्टॉल था जो कि सोलर एग्जीबिशन अभी रिसेंटली लाहौर में 10-15 दिन पहले हुई है। ये हैं जनाब, ये हैं नए मॉडल। अभी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। 8 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर है 8 किलोवाट और ये 3 फेज है। ये स्मार्ट मॉडल है, ये 13 किलोवाट का है 3 फेज इन्वर्टर। अभी मैं अगर आपको इसकी स्पेसिफिकेशन दिखाऊं जो मैंने यहाँ पे इसकी पिक्चर लेके तो वो रखी हुई है, 8 किलोवाट और जो है ये 8 किलोवाट वाला है। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ जनाब, ये 8 किलोवाट वाला है और इसे जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज शामिल है। IP65 ये मॉडल है, हाइब्रिड इन्वर्टर है, IP65 डस्ट प्रूफ, ठीक है जनाब, और हीट प्रूफ, वाटर प्रूफ, इस तरह की चीजें हैं। ये मैं IP65 और IP किस चीज के रिलेटेड है इसके बारे में इंशाल्लाह 2-3 दिन में वीडियो में बनाऊंगा। अब ये PV इनपुट है, 8 किलोवाट का इन्वर्टर है तो मैक्सिमम जो वोल्ट है वो आप 800 वोल्ट तक इसे दे सकते हैं, अपने सोलर सिस्टम जो आपने लगाया हुआ उसके वोल्टेज मैक्सिमम 800 वोल्ट तक हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है 20 एम्पेयर जो है, 20 एम्पेयर प्लस 20 एम्पेयर आप इसे दे सकते हैं और इसकी जो यानी कि टोटल आप इसे 12,800 वाट की सोलर की इनपुट दे सकते हैं, 12,800 वाट। और मिनिमम जो है वो 200 वोल्ट डीसी से ये स्टार्ट लेता है जो कि बहुत मुनासिब वोल्ट है। और इसके अलावा बाकी स्पेसिफिकेशन इसकी जनाब और क्या है, और काफी सारी इसमें प्रोटेक्शंस भी मौजूद हैं, लेड एसिड या लिथियम आयन बैटरी के साथ भी ये आप इसे अटैच कर सकते हैं और ये 48 वोल्ट बैटरी सिस्टम के साथ आप इसे लगा सकते हैं। ये वाला जो सारा था ये 8 किलोवाट वाला था। और अब जो है वो मैं आपको नेक्स्ट जो है 13 किलोवाट वाले का अगर दिखाऊं, ये भी IP65 है और इसमें भी मैक्सिमम जो वोल्ट है आपके सोलर सिस्टम में 800 वोल्ट तक आप इसे दे सकते हैं मैक्सिमम वोल्ट, देन 26 एम्पेयर डीसी प्लस 26 एम्पेयर डीसी आप इसे दे सकते हैं और 20,800 वाट तक आप इसे अपना सोलर सिस्टम के वाटेज जो है वो उसकी इनपुट दे सकते हैं। 13 किलोवाट का सिस्टम है और इसमें जो मैक्सिमम पीवी इनपुट पावर है वो 20,800 वाट तक, और ये बहुत अच्छी वाटेज है जो के 13 किलोवाट के सिस्टम को आप दे सकते हैं। ये जो है जनाब 48 वोल्ट यानी कि 4 बैटरी वाला सिस्टम, इसके साथ भी आप लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हैं और लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं। ये भी IP65 है। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो इन्वर्टर है
13 किलोवाट, अभी मैंने 13 किलोवाट वाले का आपको दिखाई है सारी स्पेसिफिकेशन। 13 किलोवाट जो थ्री फेज है, ये दोनों थ्री फेज है, 8 किलोवाट वाला भी और 13 किलोवाट वाला भी। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आ रहा है इनका, अभी ये कोई भी मॉडल जो है वो मार्केट में मौजूद नहीं है। ये 16 किलोवाट का थ्री फेज है, 5G हाइब्रिड। ये आई एम नॉट श्योर ये 2025 का मॉडल है या नहीं। इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो वेबसाइट पे मौजूद है, जिसकी मैंने कैटलॉग डाउनलोड किया था, ये वाला। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका कैटलॉग थोड़ा सा जूम इन करके, वीडियो कुछ डिस्टर्ब कर रही है आई गेस। एनीवे, इसकी सारी डिटेल जो है वो वेबसाइट पे इजीली मौजूद है। जो नए मॉडल्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा था, उनकी वेबसाइट के ऊपर डिटेल मौजूद नहीं है। ये 6, 10, 15, 20 किलोवाट के नाइट्रॉक्स मॉडल जो है, इनकी डिटेल सारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। और इनके अगर मैं वैसे आपको एक जनरल सी ओवर लुक दूँ, ओवर व्यू दूँ, तो इसमें आप जो है मैक्सिमम डीसी इनपुट जो वोल्टेज है वो 1000 वोल्ट है। 1000 वोल्ट तक आप इसमें डीसी इनपुट देख सकते हैं, और बाकी फिर मॉडल के हिसाब से उसमें चेंजिंग हो जाएगी, चेंजिंग हो सकती है। नाउ इसके नेक्स्ट मॉडल देखते हैं कौन सा है जो नया मॉडल है। ये इसकी बैटरीज हैं, कुछ बैटरीज भी हैं इसकी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा ये 16 किलोवाट वाला जो नया मॉडल है, ये भी IP65 है और 800 वोल्ट डीसी तक आप इसे इनपुट दे सकते हैं, और 36 एम्पीयर तक आप इसे दे सकते हैं। और इसके साथ आप जो है वो वोल्टेज कहाँ पे लिखी हुई है जनाब, इसकी इसके ऊपर आई गेस उन्होंने वोल्टेज होनी चाहिए थी, वोल्टेज क्यों नहीं है इसके ऊपर, कहीं पे वाटेज नहीं लिखी कि आप कितने वाट तक के सोलर पैनल इसके साथ अटैच कर सकते हैं। 800 वोल्ट डीसी हो गया, 10 जनाब 36 एम्पीयर जमा 36 एम्पीयर हो गया, और मैक्सिमम करंट जो है वो 54 जमा 54 एम्पीयर है। बैटरी लिथियम आयन और लेड एसिड दोनों लगती हैं। इसमें वाटेज नहीं लिखे हुए उन्होंने यहाँ पे, मैक्सिमम नो वाटेज नहीं लिखे हुए। एनीवे, इसके बाद जो दूसरा मॉडल है 3.6 किलोवाट वाला, ये भी जो है जनाब 500 वोल्ट डीसी आप इसे दे सकते हैं, और इसे जूम इन करें 18 एम्पीयर तक मैक्सिमम आप इसे दे सकते हैं। ये भी लेड एसिड और लिथियम आयन बैटरी के साथ आप अटैच कर सकते हैं। ये एक और जो मॉडल है इसका 6.6 किलोवाट का, इसके साथ भी 500 वोल्ट डीसी दे सकते हैं आप, ये भी IP65 है और लिथियम आयन लेड एसिड बैटरी दोनों के साथ आप इसे चला सकते हैं। देन ये 10 किलोवाट वाला है, IP65 है, ये भी 500 वोल्ट डीसी तक इसे दे सकते हैं, और मैक्सिमम जो वोल्ट 500 वोल्ट डीसी है और 26 एम्पीयर जमा 26 एम्पीयर है। ये भी 48 वोल्ट बैटरी के साथ आता है, लिथियम आयन बैटरी के साथ 48 वोल्ट का सेटअप आप इसके साथ लगा सकते हैं। मूव करते हैं फर्दर, इसके ये बैटरीज हैं जो इनवीरेक्स ने बैटरीज भी लॉन्च की हुई है मॉडल, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 वोल्ट 2.6 किलोवाट आवर की बैटरी है, ये 24 वोल्ट में बैटरी थी, ये 48 वोल्ट का सेटअप है और ये भी 48 वोल्ट का है, 5.3 किलोवाट आवर 48 वोल्ट, ये 10.6 किलोवाट 48 वोल्ट का इसका मॉडल है लिथियम आयन बैटरी का, इनवेरेक्स का अपना। ये 12 वोल्ट बैटरी जो है एक उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, ये वाली 12 वोल्ट 200 एम्पीयर आवर की बैटरी है, लिथियम आयन 12 वोल्ट 200 एम्पीयर आवर की बैटरी है ये। ये नाइट्रोक्स 136 किलोवाट का थ्री फेज इन्वर्टर है,
नेटवर्क्स 136 किलोवाट थ्री फेज इन्वर्टर है ये उसका। एक मॉडल ये भी अवेलेबल है। काफी हैवी का ये मॉडल है उनका। ये इसकी सारी स्पेसिफिकेशन है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये 3.6 किलोवाट का जो नया 2025 के मॉडल है। अच्छा, ये जो है ग्रे कलर के मॉडल कोई भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और ये बकौल उनके वो कह रहे थे कि तकरीबन जुलाई में, जुलाई या अगस्त तक ये मॉडल आ जाएंगे। इनकी प्राइस की बात करें तो जो 6 किलोवाट का इन्वर्टर है उसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख रुपए बता रहे थे, 3 से 3.5 लाख। लेकिन सेकंड डे जब मैं गया हूँ एग्जीबिशन पे तो वो कह रहे थे जी इसकी प्राइस अभी हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि प्राइस अभी फाइनल नहीं की। सो, ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है जो इंट्रोड्यूस नहीं हुए मार्केट में। बकौल एग्जीबिशन पे जो उन्होंने टेक्निकल पर्सन खड़े हुए थे वो, और इनकी वेबसाइट के ऊपर भी ये मॉडल मौजूद नहीं है। ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है जिसकी वो डिटेल आपने देखी है वहां पे, वीडियो के शुरू में मैंने इनकी डिटेल बताई है। देन जो है जनाब, ये चंद एक नए मॉडल थे जो उन्होंने इन्वीरेक्स ने इस एग्जीबिशन पे लॉन्च किए थे, और उनकी सारी डिटेल जो है वो वीडियो के शुरू में मौजूद थी, मैंने आपको बताई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग अगर कोई नया मॉडल लेना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप ये इन्वीरेक्स के जो नए मॉडल हैं ये ट्राई कर सकते हैं। IP65 में है और लेड एसिड बैटरी भी सपोर्ट करते हैं, लिथियम आयन बैटरी भी सपोर्ट करते हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी भी सपोर्ट करते हैं। तो स्मार्ट से ये मॉडल हैं और लेटेस्ट मॉडल हैं ये। अच्छा, आप जब इन इन्वर्टर्स को आप कंपेयर करेंगे, जो लेटेस्ट मॉडल है इनके, इन्हें कंपेयर करेंगे इतने ही कैपेसिटी वाले, इतने ही वॉटेज वाले किसी और कंपनी के, फॉर एग्जांपल क्राउन हो गया, सोलोमैक्स हो गया, तो उनके इन्वर्टर का साइज जो है वो इन्वीरेक्स के सेम इसी वॉटेज वाले जो इन्वर्टर है उससे ज्यादा होगा। इन्वीरेक्स के जो मॉडल्स हैं वो आप कह लें कि स्मार्ट मॉडल हैं। सो, ये एक ओवरव्यू था। आप जो है वो, उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग जो है वो अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन इन्वीरेक्स इस्तेमाल कर रहा है और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।